नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नई वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वैसे तो मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड या SIP के बारे में यहां पर बताता रहता हूं। आज एक नई वीडियो जो दिल से बनाई है, अच्छी अच्छी बातें नोट की और आज उन बातों को आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना छोटा भाई बड़ा भाई मानता हूँ। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और इस वीडियो के अंदर बताई गई बातें अगर हम अपनी जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर इनको फॉलो करते हैं तो हम आने वाले टाइम के अंदर अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे है और ये जो बातें हैं ये अलग हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर हम इन बातों को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कर लें, इन बातों को अमल में लेकर आ जाएं अपनी लाइफ के अंदर, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर दोस्तों। और जितने भी बड़े बुजुर्ग हमारी वीडियोस को देखते हैं जो लगभग 50 साल से ऊपर के हैं, वो सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करना क्या ये हमारी बातें गलत है या सही हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आप लोगों के द्वारा ही सिखाई गई है। तो प्लीज़ सर, आप जितने भी 50 साल के ऊपर के हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि जितने भी युवा हैं वो कमेंट भी रीड करते हैं, उनको पता लगे कि ये वीडियो रियलिटी में हमारी लाइफ के अंदर एक बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। अगले 10 वर्षों में अधिकतम घरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के ये कारण होंगे या हैं, होंगे भी और हैं भी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पहला जो कारण है हमारी घर की स्थिति को बिगाड़ने का, वो है दोस्तों हमारा स्मार्टफोन। दोस्तों घर में प्रत्येक सदस्य के पास, जितने भी मेंबर हैं उनके पास मोबाइल फोन है। ये कहानी आपकी नहीं है, ये मेरी भी है। अगर मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरे पास आज कम से कम 5 मोबाइल हैं, 5 मोबाइल। पर ये जो मैं आज बातें आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं, आज हो सकता है हमारी मजबूरी भी हो, क्योंकि जो कोरोना का टाइम था उस टाइम पे जो बच्चों की एजुकेशन थी उस टाइम पे हमें मोबाइल की ज़रूरत थी दोस्तों। पर ये एक ट्रेंड बन चुका है, वो अलग सिचुएशन थी, वो मजबूरी थी, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चलती थी। पर अभी एक ट्रेंड बन चुका है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है हम उसको एक अलग से नया मोबाइल फ़ोन लेके दे देते हैं। देखिए, अगर हर साल हम घर पे एक नया फ़ोन लेकर आते हैं, कितना खर्चा हम लगभग करते हैं, मैं मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर लेके चलूँगा, एक फ़ोन 15 से 20 हज़ार रुपये का अच्छा फ़ोन आ जाता है, यानी 1000 रुपये से ऊपर का खर्चा हम हर महीने फ़ोन के ऊपर करते हैं, वो भी नए फ़ोन के ऊपर। इसके अलावा उसको रिचार्ज भी करना होता है। अगर आपके पास 4 मोबाइल हैं, चारों को अगर आप रिचार्ज करते हैं तो एक मोबाइल का जो रिचार्ज होता है वो सालाना लगभग 3000 रुपये का होता है, तो 12000 रुपये के फ़ोन रिचार्ज होते हैं हमारे घर के, यानी 1000 रुपया रिचार्ज के ऊपर जाता है, 1000 रुपया हमारा नए फ़ोन के ऊपर जाता है, 2000 रुपये हमारे केवल फ़ोन पे खर्च होते हैं। आगे बात करेंगे हम दिखावटी खर्चे, उसके अंदर हमारा बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, अगर इसके ऊपर भी हम कंट्रोल करें तब भी हम बहुत सारा पैसा यहाँ पर बचा सकते हैं। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव के कारण, जीवन शैली में बदलाव, आजकल हमारी सोच क्या है, जो युवा है उनकी सोच ये है, फॉर एग्जांपल किसी की नए लड़के की जॉब लगती है, वो सबसे पहले क्या करता है, अगर उसके पास बाइक नहीं है तो वो बाइक लेके आएगा, अच्छा बड़ा फ़ोन लेके आएगा, एप्पल का फ़ोन लेके आएगा, चाहे उसकी सैलरी 20000 की क्यों ना हो। अगर उसके पास गाड़ी है तो जॉब जैसे लगी 3 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर अंदर नई गाड़ी उसके पास होगी, सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये की होगी, गाड़ी 7 से 8 लाख रुपये की होगी, यानी साल का जो पैकेज होगा वो बड़ी मुश्किल से 3 लाख रुपए का होगा और गाड़ी जो होगी वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की होगी। अब आप सोच सकते हैं क्या हम
अपने लाइफ को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं बच्चों के स्कूल के खर्चे। आजकल एक यहां पर भी एक नया ट्रेंड में, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ, उसके बाद भी माँ बाप की क्या सोच होती है कि नहीं, साथ के साथ में ट्यूशन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उसके ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा यहाँ पर हम बचा सकते हैं। पांचवा दोस्तों, ये भी घर घर की कहानी है आजकल। ये पहले शहर के अंदर होता था, अब ये गांव के अंदर भी जा चुका है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। बोलते हैं हरियाणा में दूध दही का खाना, मतलब देसी खाना पीना होता था, वो भी छोड़िए देसी, तो जो आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन ये आ चुकी है कि हम हर वीक वीकेंड में बाहर जाएंगे, वहां पर खाना खाएंगे, हर 15 दिन के अंदर या महीने में एक बार विग फैमिली हम बाहर खाना खा के आते हैं। अगर एक बार भी हम खाना खा के आते हैं या दो बार खाना खा के आते हैं, ये मिडिल परिवार की बात कर रहे हैं हम, जिसके पास पैसा उसकी बात नहीं करेंगे। अगर हम अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, ये जो खर्चे मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, इन पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो एक आने वाले 5 से 10 साल के अंदर हम अपने पास एक जबरदस्त बैंक बैलेंस बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर हम इन 10 बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल नहीं, ट्रिपल होने वाली है। ये बाहर का खाना, ऑनलाइन खाना, स्विगी हो, जोमैटो हो, जिसको ये नहीं पता यार वहाँ पर खाना कैसा बनता है, मतलब अनहेल्दी फूड हम खाते रहते हैं, अपने घर का अच्छा खाना छोड़ के हम बाहर के खाने पे फोकस कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत खर्चे, ब्यूटी पार्लर, सैलून, ब्रांडेड कपड़े, कपड़े हर 15 दिन में, हर महीने में जैसे ही पेमेंट आई, सबसे पहले ब्यूटी पार्लर, सैलून या ब्रांडेड कपड़ों के ऊपर हम खर्चा करते हैं, इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। जितने भी अमीर आदमी हैं, कभी उनका पहनावा देखना, आपको पता लगेगा क्या वो अपने ड्रेस के ऊपर वहाँ पर खर्चा करते हैं, नहीं करते। कभी भी उठाओ, किसी भी बड़े व्यक्ति को उठाना, उसका फोटो देखना और 2 मिनट सोचना उनकी ड्रेस के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, आप लोगों को पता लगेगा। आगे बात करते हैं प्रतिष्ठा की भूख, जैसे ब्याह शादी में। दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन अलग भी है, यहाँ हमारा जो समाज है, जो हमारा कल्चर है, उसके अंदर जिसके पास पैसा है वो पैसा खर्चता है ब्याह शादी के काम में, क्योंकि उसको पैसा कहीं ना कहीं तो खर्चना है। और हमारे जैसे मिडिल परिवार की, गरीब परिवार की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इज्जत का सवाल होता है, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है, और उसी प्रतिष्ठा की भूख के कारण ब्याह शादी में मतलब औकात है 5 लाख रुपए खर्च करने की, वहां पर खर्च हो जाता है 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, तो पूरी जिंदगी माँ बाप की वहीं निकल जाती है उस कर्जे को पूरा करने में। आगे बात करेंगे लोन पर दिया जाने वाला ब्याज। पहले ही मैंने आपको बताया, जैसे ही हमारी सैलरी आती है, गाड़ी पे, फोन पे, बाइक पे, इन चीज़ों के ऊपर हम क्या करते हैं, ईएमआई लेके शुरू कर देते हैं ये खर्चा करना। और ये ब्याज आप पूरी सर्विस, पूरी लाइफ आपका पैसा यहीं पर जाता रहता है, हम अच्छी तरह से कभी भी सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि हम जितना हम लोन उठाएंगे उतना ब्याज हम पे करेंगे। बिना सोचे समझे हम कुछ भी कर लेते हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले आपकी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। मेडिकल खर्चे, मेडिकल खर्चे हर घर के अंदर आज, अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, मान के चलिए 5% आपका हर महीने मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर, मेडिकल खर्चों के ऊपर खर्च होता है, जिसका कारण एक ही है, अपने शरीर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देना, ना हमने कभी मॉर्निंग वॉक करनी, ना हमने कभी इवनिंग वॉक, ना कोई गेम खेलना, बस एक ही गेम हमारे पास है, हमारे पास भी, हमारे बच्चों के पास भी, ऑनलाइन गेम या फिर रील्स देखने इंस्टा पे, यूट्यूब के ऊपर, ये हमारा काम है। साथ के साथ में जो हमने बात की थी खाने के ऊपर, गलत खान पान, वो भी आपके इस मेडिकल खर्चे को बढ़ाता है, तो आप सोच सकते हैं। और 10वां है दोस्तों, ये शायद किसी को गलत लगे तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा, अपनों को कभी उधार ना दें, ये फैक्ट है।
आप अपनों को जितना उधार देते रहेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर उतना ही मतलब कभी सेव कर ही नहीं पाओगे दोस्तों। और एक दिन ऐसा आता है जब हम ये पैसा अपनों को देते रहते हैं, एक दिन आपके जब समझ में आती है, जब उस टाइम आप किसी को पैसा देना बंद कर देते हैं, आपके रिलेशंस के अंदर, आपके रिश्तों के अंदर भी एक बहुत बड़ी दरार आती है जो कभी भी नहीं भरती फिर। तो इससे अच्छा है तो आप अपनों को कभी भी उधार ना दें। ये लाइन शायद आप लोगों को किसी को अच्छी लगे या ना लगे तो वो अलग बात है, पर ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अपनों को कभी भी उधार ना दें। आगे बात करते हैं समाधान क्या है इसका। समाधान एक ही है, बिना जरूरत के खर्चे कम करने होंगे। जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है उनको हमें कम करना होगा, उनको हमें कम करना होगा। आगे बात करते हैं एक और, जरूरत हमें किस चीज की है, रोटी कपड़ा और मकान की, और इसी की जरूरत हमें रहेगी तो फिर एक्स्ट्रा खर्चे क्यों। लास्ट, इसके ऊपर कंट्रोल। इच्छाएं अनंत हैं, कभी भी खत्म नहीं होती। आज आप फोन लेके आए हो, कल आपका मन करेगा कि एप्पल का लेके आना है, आपने एप्पल का फोन लिया, नई सीरीज आएगी फिर नए सीरीज लेने का मन करेगा। बाइक ली, छोटी बाइक ली, पेमेंट बढ़ी, फिर बड़ी बाइक लेने का मन करेगा। छोटी गाड़ी ली, फिर नई नई गाड़ियाँ आती रहती हैं। ये कंपनियाँ हैं, ये हमारे साथ झोल खेलती हैं, हमें इनसे बचना है। अपनी इच्छाओं के ऊपर हमें कंट्रोल करना है दोस्तों। तो ये चीज़ है, और पैसा इन्हीं से बचाया जा सकता है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी करिए, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं डबल नहीं दोस्तों, ट्रिपल भी कर सकते हैं। यानी इन इच्छाओं पर कंट्रोल करके, ये जो 10 बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। यानी अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ये मान के चलिए 10,000 रुपये पर मंथ की होती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की पर मंथ की है, आपकी इन्वेस्टमेंट इन 10 बातों को फॉलो करके 2,000 रुपये आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हो। अगर ये बातें हम 5 या 10 साल तक अपने जीवन के अंदर उतार लें तो केवल 5 से 10 साल के अंदर हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, केवल 5 से 10 साल। और एक छोटा सा और मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी नए युवा हैं, जब भी जॉब पे लगते हैं तो प्लीज़ यार अपनी पाँच साल कंट्रोल करिए अपनी इच्छाओं के ऊपर। फ़ोन से बचिए, बड़ी बाइक से बचिए, बड़ी गाड़ी से बचिए। 5 साल आप इसके बिना गुजार सकते हो। अगर आपने 20 साल बिना गाड़ी के या बिना बाइक की अगर गुजारी है, छोटे फ़ोन में आपने गुजारी है, तो अगली 5 साल अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहिए। उसके बाद आप थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को, इच्छाएं जरूरी हैं पूरी करनी, लाइफ एक बार मिलती है ये सब मानते हैं, पर इस लाइफ के अंदर हमें अपनी औकात को देखते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, ताकि हम जिन चीज़ों से गुजरे हैं, जिन समस्याओं से हम गुजरे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे उस समस्याओं से ना गुजरें। इसको देखते हुए मैंने ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाई है। हो सकता है किसी को वीडियो अच्छी लगे, हो सकता है आपको अच्छी लगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये बातें किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों से सॉरी बोला है सर, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं लगती हैं तो मैं आपको पहले ही सॉरी बोलता हूँ। और जितने भी बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे थे, अगर उन्होंने पूरी वीडियो को देखा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इसमें कौन सी बात गलत मैंने बताई है, क्योंकि ये बातें आपके द्वारा ही बताई हैं, ताकि लोगों को जो भी वीडियोस देखते हैं उनको पता लगे कि कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत है। थैंक यू।